अब डोटासरा जी तो बिना बॉल के डोटे मार रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉल है ही नहीं, अब यूँ दौड़ते जा रहे हैं। अब डोटासरा साहब क्या कहते हैं उसका जवाब मैं क्या दूँ, डोटासरा जी देंगे। आपकी पार्टी के लिए कह रहे हैं वो? मेरी पार्टी के लिए वो कह रहे हैं, वो अपनी पार्टी तो संभाल ले, वो उनकी पार्टी खुद की तो संभाल नहीं रही है और हमारी पार्टी की चिंता कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चल रहे हैं, हमारी पार्टी एकजुट है और सब संगठित रूप से हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब पहले बातें करते थे हमारे बारे में, अब उनकी खुद की स्थिति कितनी दयनीय हो गई है। गहलोत साहब इस चुनाव में एक बात करेंगे, पूर्ववर्ती सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको बंद कर दिया गया, जनता को राहत नहीं है, इस मुद्दे पर वोट मांग लिया। हमने पुरानी सरकार की जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं थी उनको मजबूत किया है, किसी को भी हमने बंद नहीं किया। कोई किसी तुष्टिकरण की बात हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जन कल्याण की जो भी योजनाएं थी हमने उनको और सुदृढ़ किया है, कभी भी हम बंद करते नहीं हैं, ऐसी हमारी सोच है भी नहीं। बीजेपी चुनाव में बागियों को नामांकन से पहले मनाने में कामयाब रही, रणनीति की तारीफ हो रही है, लेकिन कांग्रेस के भी कई बागी चुनावी मैदान में, क्या लगता है आपको किस तरीके से चुनाव रहने वाला है? अब एक बात बताऊँ, मुझे कांग्रेस की बात मुझे नहीं करना है, लेकिन हमारे यहाँ भी बागी शब्द मत कहो, इच्छाएँ होती है, चुनाव में टिकट मांगने का सबको हक है, और जिसको एकाएक उम्मीद हो और फिर नहीं मिले तो थोड़ी सी निराशा होना स्वाभाविक है, और वो यदि अपने उत्साहवर्धक वातावरण में जुड़ जाए साथ में तो इसको हम अच्छी बात मानेंगे ना, इसको माइनस थोड़ी है हमारा, हमारे सब एकजुट हैं, हमारे यहाँ कोई भी बागी नहीं है। कल देखिए वो दुर्ग सिंह जी जो है उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की, उनके साथ में 40-45 कार्यकर्ता और भी आए थे अलग अलग क्षेत्रों के, कर रहे हैं और भी कार्यकर्ता करने वाले हैं। बागियों को मना लिया लेकिन दोसा में असंतोष बता रहे हैं क्योंकि वहाँ सवर्ण का टिकट था, सवर्ण की सीट थी और एसटी को टिकट देता। देखिए हम सेवा का ध्यान रखते हैं, सेवक का ध्यान रखते हैं, सेवा सेवक कोई भी हो, हम जातिवादी राजनीति नहीं करते, हम हमेशा और जो सेवा कर सकता है उसको महत्व देते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कई बार ऐसा होता आया है, कांग्रेस ने भी हमेशा रामनारायण मीणा को जनरल सीट से लड़ाया था और वो लड़ते रहे आते रहे हैं, तो इसलिए ये कोई बात अब उनको नहीं कहना चाहिए, पहले अपने घर में देखते फिर हम पर आरोप लगाने का काम करते। आखिरी सवाल भाई साहब, इस उपचुनाव में छोटा चुनाव है 7 सीटों पर, परिवारवाद सभी पार्टियों में देखने को मिला, आपने भी 2-3 जगह परिवारवाद को बढ़ाया, कांग्रेस ने भी, कहाँ हमारे परिवारवाद, हमारा तो एक ही परिवार है, भारतीय जनता पार्टी परिवार।